मंच पर विराजमान चीफ जस्टिस श्री जे एस खेहर जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री रविशंकर प्रसाद जी, जस्टिस श्री दीपक मिश्रा जी, जस्टिस श्री चलमेश्वर जी, जस्टिस श्री खानविलकर जी, सभागृह में उपस्थित सभी आदरणीय वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जजीज, बार के मित्र, भाई और बहनों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर मेरी आपको और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। देश बदल रहा है, छुट्टी है, हम लोग काम कर रहे हैं। आज 10 मई का एक और भी महत्व है। 1857 का स्वतंत्र संग्राम देश की आज़ादी का एक बहुत बड़ा व्यापक संघर्ष का प्रारंभ, वो 10 मई आज शुरू हुआ था। आज आधुनिकता की ओर एक और कदम, और वो भी न्याय व्यवस्था की तरफ से हो रहा है। मैं चीफ जस्टिस साहब और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैसे जब हम इलाहाबाद में एक कार्यक्रम में मिले थे तो चीफ साहब ने बड़ा ही विस्तार से आंकड़ों का एक पूरा चित्र वहाँ प्रस्तुत किया था सबके सामने, और देश में जो केसेस बाकी पड़े हैं, पेंडेंसी है, और उन्होंने देश की जुडिशरी को अपील की थी कि आप वैकेशन में कुछ समय दीजिए। एक तो वो सुनना ही मेरे लिए बड़ा आनंददायक था वहाँ बैठ करके, और बड़ा प्रेरक था। और मुझे खुशी है कि मुझे कई जगह से खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजीज अपने वैकेशन को कम करके इस देश के गरीबों के लिए अपना समय देने वाले हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। क्वांटम के रूप में इसका परिणाम क्या आता है वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार का भाव पूरे वातावरण को बदल देता है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बल देता है, और सामान्य मानवी के मन में भी एक नया विश्वास पैदा होता है। और न्यू इंडिया के लिए नया विश्वास भी उतना ही आवश्यक है, और मैं इसके लिए हृदय से आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज हम टेक्नोलॉजी के संबंध में सरकार का जो अनुभव है, मैंने राज्य में भी काम किया है, यहाँ भी काम किया है, सरकारें या सरकार से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं दुर्भाग्य से टेक्नोलॉजी का हमारा बड़ा सीमित अर्थ रहा, वो हार्डवेयर से रहा। हार्डवेयर खरीदना,
हार्डवेयर बसाना, उसी को हमने टेक्नोलॉजी मान लिया। कई दफ्तर में आप जाएंगे तो पहले के ज़माने में टेबल पे एक फ्लावर पॉट रहता था, बड़ा अफसर है तो बड़े ताज़े फूलों वाला रहता था, छोटा अफसर है तो थोड़ा छोटा लेकिन फ्लावर पॉट रहता था। युग बदल गया, आधुनिकता आई तो फ्लावर पॉट की जगह पे एक बढ़िया सा कंप्यूटर रहता है, न उसने कभी उसको खोला है न कभी हाथ लगाया है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए समस्या टेक्नोलॉजी की कम है, बजट की भी कम है, माइंडसेट इज ए प्रॉब्लम। और भगवान बुद्ध पूर्णिमा है तो भगवान बुद्ध की एक बात बड़ी प्रेरक है, वो हमेशा कहते थे कि मन बदले मत बदले, मंतव्य बदले, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। भगवान बुद्ध का एक बड़ा ही प्रेरक संदेश है ये। और उस अर्थ में आज भी हमने देखा, हर किसी को लगता है कि अब 6 महीने हो गए, मोबाइल फोन का मॉडल पुराना हो गया, जरा नया मॉडल ला दें। कितना ही नया मॉडल लाएगा फिर भी उसके जेब में कॉन्टैक्ट लिस्ट की डायरी रहती है, जबकि मोबाइल फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए पूरी व्यवस्था फिर भी उसकी डायरी रहती है, क्योंकि हम दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो हाथ में मोबाइल तो अच्छा होना चाहिए, और ग्रीन एंड रेड बटन से ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। हम इतने, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम बदलते कैसे नहीं हैं। हम किसी को अगर SMS करते हैं, बाद में फ़ोन करते हैं, मेरा SMS मिला। चुनौती सॉफ्टवेयर में नहीं है, चुनौती हार्डवेयर में भी रही है। और इसके लिए एक सामूहिक मन बनाना पड़ता है। एक चेन अगर टूट गई तो प्रोसेस अटक जाती है। किसी को लगा नहीं भी, अब देखिए, हम में से कोई इंक्लूडिंग myself, जब तक अखबार हाथ में लेकर के अखबार नहीं पढ़ते तब को मजा नहीं आता है, अखबार पढ़ा ऐसा लगता है। आज के बच्चे अखबार को छूते नहीं, यूं यूं करके दुनिया भर की खबर लेकर आ जाते हैं। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव के साथ अपने आप को जोड़ना, और ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर के होता है जी। एकाध व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा, वो करता रहेगा तो एकदम से पूरी व्यवस्था में आइसोलेट हो जाता है। और इसलिए भी चीफ साहब मुझे कह रहे हैं कि हम अभी एक प्रकार से ट्रेनिंग का लगातार डिस्कशन का काम कर रहे हैं, ताकि नीचे तक कैसे परकोलेट हो, इसका लिए हम प्रयास कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की ताकत बड़ी अद्भुत है, जो इसको अनुभव करेगा उसको अंदाज आएगा कि इसको कैसे उपयोग में लाना चाहिए। शुरू में उसको बड़ा डर लगता है, यार ये मेरे बस का रोग नहीं है। आपने देखा होगा, आप घर में बहुत बढ़िया VCR ले आए, बढ़िया TV ले आए, लेकिन आपका पोता जब आपको समझ नहीं आता पोते को बुलाते हो, अरे देखो यार कैसे ये अटक गया, तो वो ठीक कर देता है। यानी इतना बड़ा गैप है जनरेशन का इस सारे मामले में, और इसलिए इसको कोप अप करना एक जनरेशन के लिए थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर वो जनरेशन इसको कोप अप नहीं करेगी तो नीचे परकोलेट होना इम्पॉसिबल है। और इसलिए एक सबसे बड़ी चुनौती इसके साथ जुड़ी हुई है। मेरे हिसाब से ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस,
इफेक्टिव गवर्नेंस, इकोनॉमिकल गवर्नेंस, एनवायरमेंट फ्रेंडली गवर्नेंस, हम इस ई गवर्नेंस को जीवन के हर क्षेत्र में कैसे लाएं। अब जो हम एक कागज ए फोर साइज का एक कागज उपयोग करते हैं, रिसर्च ये कहता है कि ए फोर साइज का एक कागज पूरी प्रक्रिया के दरमियान 10 लीटर पानी कंज्यूम करता है। 10 लीटर पानी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस पेपरलेस दुनिया की ओर जाता हूं तो मैं कितनी बड़ी आने वाली पीढ़ियों की सेवा करने वाला हूं। मैं कितने जंगल बचाऊंगा, मैं कितनी बिजली बचाऊंगा, जब मैं बिजली बचाऊंगा तो मैं कितने बड़े एनवायरनमेंट के इश्यूज को एड्रेस करूंगा। यानी एक प्रकार से ये व्यवस्था की अपनी एक ताकत है, लेकिन जब तक उस पूरे स्वरूप को हम नहीं जानते तब तक यार छोड़ो यार ये मेरा काम नहीं है। अगर हम इसको इसके एक व्यापक रूप में भी लोगों को प्रबोध, ये कोई पहले का सब बुरा था और पुराना था और ये करता है वही आधुनिक है, इस रूप में इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही उपयोगी है, और आज के समय में जब समय की कठिनाई है तो कम समय में करने वाला काम इससे होता है। सरकार में बाइंडलाज हमारा अनुभव ये है कि हम लोग ये मानते हैं, हमारे विभाग ये मानते हैं कि हम जो करते हैं बहुत अच्छा है, हमारी कोई गलतियां नहीं होती, हमारी कोई कमियां नहीं होती हैं। स्वाभाविक है, जो जहां काम करता है वो ये मानता ही है। अभी 2 महीने पहले मैंने जरा एक रिस्क लिया, मैंने सब डिपार्टमेंट को कहा कि भाई आप मुझे बताए कि आपके यहाँ आपको लगता है कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ गलत हो रहा है, इसको ठीक करना है या कुछ प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है, जरा दिखाइए। कुछ दिन तो नहीं, नहीं साहब हमारा सब बड़े बढ़िया चल रहा है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मैं पीछे लगा रहा तो करीब 400 इश्यूज को आइडेंटिफाई किया अलग अलग डिपार्टमेंट का, 400 कि जिसमें सुधार की जरूरत थी या कुछ कोई इंटरवेंशन की जरूरत थी। और बाद में मैंने यूनिवर्सिटीज को ये काम दिया, खास करके 18 से 20 22 साल की उम्र के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को दिया, और उनका एक हैकेथॉन का कार्यक्रम बनाया। 36 आवर्स नॉन स्टॉप एक ही छत के नीचे बैठ करके काम करना और इसके सॉल्यूशन ढूंढना। 400 इशू उनको दे दिए सरकार के, 42,000 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ने उसमें भाग लिया, और 36 आवर्स नॉन स्टॉप एक ही छत के नीचे बैठ करके उन्होंने एक्सरसाइज की। एंड आई वाज सरप्राइज, अधिकतम इश्यूज के सॉल्यूशन उन्होंने दिए हैं, प्रोसेस के सॉल्यूशन दिए हैं, ज्यादातर फिर सरकार के साथ उनका इंटरफेस हुआ, सरकार को उन्होंने बताया कि देखो इसका रास्ता ये है, इस कारण कई डिपार्टमेंट ने इसको एडॉप्ट भी किया है, और ये पिछले 2 महीने में ही हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास इतना बड़ी संभावना है अगर हम कोशिश करें, और मैं तो चाहता हूं कि आप भी देश के टेक्नोलॉजी के फील्ड के स्टूडेंट्स को ऐसे अगर इश्यू देंगे, उनको कहें ढूंढ के लाओ क्या निकल सकता है रास्ता, क्या सॉफ्टवेयर बन सकता है, कैसी टेक्निक काम आ सकती है, मैं विश्वास से कहता हूं कि वो इतना बढ़िया चीज़ें देते हैं और सॉल्यूशन देते हैं, हम सरलता से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी स्वीकार कर सकते हैं। और मेरा मत है IT प्लस IT इज इक्वल टू IT। अब ये अरिथमेटिक वालों के लिए काम का नहीं है, जब मैं कहता हूं बड़े विश्वास से कहता हूं IT प्लस IT इज इक्वल टू IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। ये सामर्थ्य है इसमें,
इस सामर्थ्य का हम उपयोग करके कैसे आगे बढ़े। अब एक जमाना था जबकि करेंसी टेराकोटा के मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त बदल गया तो कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज के आए। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है, अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। मैं इन दिनों खास करके 8 नवंबर के बाद जिस क्षेत्र का मेरा कोई अनुभव नहीं था उसमें जरा ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का मौका आया डिजिटल करेंसी के लिए। डिमोनेटाइजेशन का दिन था 8 नवंबर और मैंने अनुभव किया कि नोट छापना, उसको सुरक्षित रखना, उसको पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन अरबों खरबों रुपया का खर्च है जी। एक एटीएम को संभालने के लिए, एक एटीएम को संभालने के 6-6 पुलिस वाले लगते हैं जी, जबकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जेब में एक करेंसी ना हो तो भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है। हम अगर जैसे सरकार ने इनिशिएटिव लेकर के भीम ऐप बनाया है, 1 रुपये का खर्चा नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कीजिए, सामने वाले के पास हो अपना कारोबार शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश के अरबों खरबों रुपये से अगर बचेंगे तो किसी न किसी गरीब के घर बनाने के लिए, गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए काम आने वाला है। टेक्नोलॉजी पूरे इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है, यह ताकत है इसकी। हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाएं और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाएं, हमने प्रयास करना चाहिए। मेरा स्वयं का अनुभव है कि बहुत तेजी से लोगों को इसका महात्म्य समझ में आने लगा है। अगर खुद को नहीं आता है तो एक आम नौजवान रख लेते हैं कि देखो भाई तुम मेरा मुझे इस काम में आशीष करो, मुझे आदत नहीं है लेकिन तुम करो, वो कर देता है। आज हम जिस टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, शायद 1000 साल में टेक्नोलॉजी ने जो रोल प्ले किया होगा, पिछले 30 साल में उससे 1000 गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले किया है। जो काम 1000 साल में नहीं हुआ है वो 30 साल में हुआ है, और आज जो हो रहा है यहाँ से निकलने के बाद वही टेक्नोलॉजी हो सकता है आउटडेटेड हो जाए, इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस कार आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है, ड्राइवर का क्या होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी जॉब क्रिएशन की संभावना है क्या? और जो इसके एक्सपर्ट है उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब क्रिएशन की भारी संभावनाएं बढ़ने वाली है। पूरा विश्व एक नई सोच की ओर जाने वाला है, उसके लिए एक नई जनरेशन तैयार होने वाली है। यानी जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरिलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं, ये अवस्था दूर नहीं है। और इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी, हम लोग आज हिंदुस्तान ने स्पेस टेक्नोलॉजी साइंस में बड़ी इज्जत कमाई है, दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा बनी है। हम जो मार्स में गए, दुनिया को वहाँ पर फर्स्ट ट्रायल में कोई सफल नहीं हुआ था, भारत फर्स्ट ट्रायल में सफल हुआ। और खर्चा कितना हुआ? आज अगर हम टैक्सी किराए पर लेते हैं तो 1 किलोमीटर का मानो 10 रुपया 11 रुपया होता है। हम मार्स पर गए
एक किलोमीटर 7 रुपये में गए और दुनिया में हॉलीवुड की फिल्म का जो खर्च होता है उससे कम बजट में हिंदुस्तान ने मार्स सक्सेस किया है। ये हमारे साइंटिस्टों की टैलेंट की कमाल है, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों का सामर्थ्य है। लेकिन दुर्भाग्य से इतना बड़ा स्पेस टेक्नोलॉजी, भारत की इतनी बड़ी अचीवमेंट, लेकिन एप्लीकेबल साइंस में, हम साइंस को अप्लाई करने की दिशा में हम बहुत पीछे पड़ गए। मेरे यहाँ आने के बाद मैंने एक वर्कशॉप किया सभी जॉइंट सेक्रेटरीज का, कई दिनों तक किया, डिपार्टमेंट वाइज किया, स्पेस टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में कैसे उपयोग होता है। आज हम रोड बनाते हैं तो ऐसे 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 बनाते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए आप, मिनिमम कर्व के साथ स्ट्रेट वे रोड बना सकते हैं आप, डिजाइन कर सकते हैं और सारी चीज़ें रख सकते हैं। मुझे ट्राइबल को राइट देना था जमीन का, मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और मुझे कोई प्रूफ की जरूरत नहीं थी, स्पेस टेक्नोलॉजी से मैं सिद्ध कर सकता था कि ये फॉरेस्ट लैंड है जो कभी फार्मिंग के लिए आती थी। 15 साल के पुराने फोटोग्राफी से मैं तय कर सकता हूँ, यस ये उसका राइट बनता है, हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। आज जस्टिस सिस्टम में जितनी, खास करके क्रिमिनल फील्ड में, न्याय की संभावना बढ़ गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा सपोर्ट कर रही है। मोबाइल फोन ऐसे सबूत छोड़ करके जाता है कि आपको एविडेंस के लिए एकदम से साइंटिफिक सुविधा मिल जाती है, फॉरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा रोल हो रहा है। एक्सीडेंट के मसले सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से आप जजमेंट देने के लिए नतीजे पर, कहने का तात्पर्य है कि पूरी जुडिशरी सिस्टम को और अधिक सक्षम बनाना और अधिक सरल बनाने में टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। हम जितनी तेजी से इन चीजों को एडॉप्ट करेंगे, हम बड़े सटीक, अब कोई कल्पना कर सकता था, क्रिकेट पहले एम्पायर तय कर रहा था हारा के जीता, अब थर्ड एम्पायर तय करता है कि भाई तुम्हारा बॉल सही था नहीं था, पकड़े नहीं पकड़े, वो बता देता है तो ऊपर से वो लाइट कर देता है। अब कोई कहेगा एम्पायर की नौकरी चली गई, एम्पायर की नौकरी नहीं चली गई, एफिशिएंसी आई है। और इसलिए मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी के संबंध में हम जितनी सरलता के साथ उसको स्वीकारेंगे, उतनी सरलता से मुझे जरूर लगता है कि इसका बहुत ही लाभ मिलने वाला है। अभी रविशंकर जी प्रो बोनो की बात कर रहे थे, मैं जरूर इसका आप सबके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। ये जो हमारे देश में सोच है कि देश के नागरिक ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोगों को तो अपना ही है, ये रियलिटी नहीं है। ये देश का मिजाज हम पहचाने, देश का मिजाज अलग है। ये फॉरम ऐसा नहीं जहाँ ये मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ वो उचित है, लेकिन फिर भी वो शायद ज़्यादा सुटेबल है इसलिए मैं दे रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। 2014 का जो इलेक्शन हुआ, मेरी पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में, उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया था, सामने भी कांग्रेस की पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे थे। और उस चुनाव के पहले आपको मालूम होगा दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की, और देश का पूरा ध्यान था कि वो क्या लेकर के देश के सामने आते हैं चुनाव के लिए। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हमने निर्णय किया है कि 9 गैस के सिलेंडर के बजाय 12 सिलेंडर देंगे। यानी 2014 का चुनाव एक तरफ 9 सिलेंडर के 12 सिलेंडर इस तरफ था और दूसरी तरफ अलग एक, वो एक मैं उस समय के दृश्य की इसलिए याद दिलाता हूं। अब आप देखिए कि टेक्नोलॉजी के द्वारा जिस देश में 9 और 12 सिलेंडर की डिबेट लोकसभा का भविष्य तय करने के लिए हो रही थी, सरकार बनने के बाद मैंने देशवासियों को एक छोटी सी अपील की थी,
लाल किले पर से। और मैंने कहा था भाई अगर आप को एफोर्ड कर सकते हैं तो आप सब्सिडी छोड़ दीजिए ना, इतना सा कहा था। और मैं आज बड़ा गर्व के साथ कहता हूं मेरे देश के 1,20,00,000 परिवारों ने गैस की सब्सिडी सरेंडर कर दीजिए। हमने अपनी सोच के कारण 9 और 12 में हम उलझे थे, उनकी ताकत क्या है कभी उसको हमने एड्रेस ही नहीं किया थी। एक बार मैंने डॉक्टरों से अपील की थी कि आप बहुत काम होगा, बहुत पेशेंट होंगे, जब एक काम मेरी मदद कर सकते हैं क्या। मैंने कहा हर महीना 9 तारीख को कोई भी गरीब प्रेग्नेंट वुमेन आपके दरवाजे पर आएगी, आप बिना फी लिए उस गरीब प्रेग्नेंट मां की चिंता करिए, आपको जानकर के आनंद होगा। इस देश के हजारों गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने अपने अस्पताल के बाहर बोर्ड लगाया है और 9 तारीख को वो बिना चार्ज लिए गरीब प्रेग्नेंट विमेन को सेवा करते हैं, उसको मदद करते हैं, उनको गाइड करते हैं, दवाई करते हैं। जब मैं गुजरात में था बड़ा भयंकर भूकंप आया था, मैंने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कहा था आप 6 महीने के लिए समय दीजिए, बहुत बड़ी मात्रा में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आए थे और मिशन का काम तक वो करने के लिए मेरे साथ खड़े हो गए थे। आज मैं देश की लीगल फ्रेटर्निटी को खास करके मेरे वकील मित्रों से आग्रह कर रहा हूँ, ये जो प्रो बोनो की कंसा हमने एक ऐप डेवलप किया है, आप अपने आप को रजिस्टर करवाए कि किसी गरीब को मदद चाहिए तो मैं गरीब के लिए मुफ्त में तैयार हूं। एक पूरा देश में मूवमेंट खड़ा हो गरीबों को लीगल हेल्प करने के लिए, हम आगे आए। और ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि ये प्रो बोनो के द्वारा व्यवस्था खड़ी की गई है, टेक्नोलॉजी से आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो रिक्वायरमेंट वाला है वो आ सकता है, या हमारे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा लिंक अप कर सकते हैं। लेकिन एक नया इनिशिएटिव अगर मेरे देश के गरीब विधवा रिटायर्ड टीचर वो जाकर के कतार में खड़ी रह करके गैस सिलेंडर की सब्सिडी सरेंडर कर सकती हैं, मेरे देश का गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर 9 तारीख को गरीब माँ की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, मेरे देश का नौजवान प्राकृतिक आपदा के समय अपने इंजीनियरिंग स्किल को लगा देने के लिए तैयार होता है, मेरा देश का आईटी का प्रोफेशन, मैं उसको कहूँ कि 36 घंटे खाए पिए बिना एक छत के नीचे आ जाओ और देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ रास्ते निकालने आ जाओ, और 42,000 नौजवान 36 घंटे के लिए पुरुषार्थ करके 400 समस्याओं का समाधान करने के लिए रास्ता खोजते हैं, मुझे विश्वास है मेरे देश के वकील भी मेरे देश के गरीबों को मदद करने के लिए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे आएंगे और देश का भविष्य बदलने के लिए काम आएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ ये जो नया काम आपने शुरू किया है, खानवेलकर जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, चीफ साहब का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं मानता हूँ डिजिटल इंडिया की दिशा में, न्यायिक व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का आना अपने आप में बहुत बड़ी सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।